हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा पुस्तकालय अध्यक्ष आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से दिल से हार्दिक स्वागत है दोस्तों सबसे पहले बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों सबसे पहले इस क्लास को जो भी देख रहे हैं दोस्तों एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम बहुत सारी लाइब्रेरी साइंस के अंदर नई नई चीज़ें आपको दे सके दोस्तों थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने इतना मुझे प्रेम दिया है और आज खुशी की बात यह है कि दोस्तों आज हमारे जो है ओ एस आई फॉर लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल पर पिचत्तर हज़ार सब्सक्राइबर पूरे होते हैं इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है दोस्तों तो आज से अठारह महीने पहले हमने एक छोटा सा वीडियो से शुरुआत की आज हमारा जो परिवार है कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक आज ये पिचत्तर हज़ार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स का परिवार बन गया है और सेवनटी फाउव था फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर आज हो गए हैं इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक यू वेरी मच ठीक है आइए आज शुरू का शुरुआत करते हैं आगे की कुछ क्लास जी 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 रवि कुमार जी ने कहा है कॉन्ग्रेचुलेसन सर थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उसके बाद शुरुआत करते हैं भाई दोस्तों कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों ठीक है ना जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको हर छोटी मोटी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है दोस्तों ठीक है ना और सबसे बड़ी बात है कि आप जो विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के अंदर जाकर बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें और जिस विद्यार्थियों को मेरे से बात करनी है वो इस नंबर पे आप इस क्लास के बाद कॉल कर देना मैं आपसे बात कर लूँगा दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कॉल कीजिए कुछ भी कीजिए मैं शुरू करता हूँ दोस्तों तो आइए शुरुआत करते हैं आज हमारा बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस कि पुस्तकालय विज्ञान के अंदर जो क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है जहाँ से हमेशा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जो चीज़ें होती जो हमने कल पहली क्लास शुरू की थी और पहले कल हमने इसी समय आज से चौबीस घंटे पहले 24 घंटे पहले हमने डे वन शुरू किया था करीबन दस हज़ार लोगों ने यूट्यूब पर हमारी क्लास को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह दे रहे हो दोस्तों तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों सर अविनाश जी कह रहे हैं आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू टूडे आई विल कॉल यू बट नो कॉन्टेक्ट विथ यू अविनाश जी आप इस क्लास के बाद जो है ज़रूर फ़ोन कर दीजिए हालांकि मैडम ने एक लिस्ट बनाई है मैं भी आप इस क्लास के बाद सभी को वापस फोन करूंगा दोस्तों ठीक है दोस्तों इस क्लास के बाद फ़ोन करना मैं आप सभी से बात करूंगा दोस्तों ठीक है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आइए शुरुआत करते हैं आगे तो आज हमारा बेसिक ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड क्या कह सकते हैं दोस्तों डे है तो आज हम और भी बहुत सारी जो बेसिक चीजें लाइब्रेरी साइंस में जो हमेशा अक्सर सवाल क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो आज हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि नेशनल नेशनल लाइब्रेरियंस डे नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया भारत के, के अंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए आप राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष।, पुस्त अध्यक्ष दिवस पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जल्दी से हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लाइब्रेरी साइंस की और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें पहला सवाल यह है कि ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरियंस डे राष्ट्रीय पुस्तकालय जो अध्यक्ष है सर कॉलेज लाइब्रेरियन में प्रत्येक पेपर में 40 परसेंट कंपल्सरी है क्या कॉलेज लाइब्रेरियन में 40 परसेंट कम्पलसरी नहीं है दोस्तों बिल्कुल नहीं है ध्यान रखना ठीक है तो नेशनल लाइब्रेरियंस डे इंडिया भारत में जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष कब बना राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को ठीक है ना भाई 12 अगस्त को ध्यान रखना तो 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि उस दिन क्या था ऑन द ओकेजन ऑफ ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी ठीक है ना बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्योंकि उस दिन क्या आता है भाई डॉक्टर ऐसा रंगनाथन का जन्म उत्सव है क्या है दोस्तों डॉक्टर ऐसा रंगनाथन का क्या है भाई जन्म उत्सव है ध्यान रखना ठीक है ना तो जन्म उत्सव पर जन्म उत्सव पर जन्म उत्सव के अवसर पर ध्यान रखना क्योंकि 12 अगस्त को डॉक्टर ऐसा रंगनाथन का क्या हुआ था भाई जन्म जन्म जो है जन्म हुआ था तो ध्यान रखना है कि बर्थ एनिवर्सरी है उनका बारह अगस्त इसलिए ध्यान रखना नाज हाय सर आई एम फ्रॉम केरला थैंक यू वेरी मच वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया ठीक है एक बार बिल्कुल सबको नमस्कार अंजना कुमारी जी गुड इवनिंग सर बिल्कुल गुड इवनिंग सर ठीक है ना भाई प्रकाश कुमार जी कह रहे सर वैकेंसी तो कन्फर्म कर दो अरे प्रकाश जी मेरे हाथ में होता तो मैं कभी कन्फर्म कर देता लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है दोस्तों रूना कुमार जी बहुत अच्छा आंसर दिया है वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर दिया है ध्यान रखना सुजीत भे सुजीत जी थोड़ा सा गलती को रोकिए आप ठीक है इधर देखिए आप तो सबसे पहले सवाल ये बनता है कि नेशनल लाइब्रेरियन जो डे है भारत के अंदर 12 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 12 अगस्त क्या है दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन क्या है दोस्तों जन्मोत्सव है ठीक है ना किसका है दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्मोत्सव है तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन डॉक्टर एस आर रंगानाथन तो डॉक्टर एस आर रंगानाथन का जो जन्म कब हुआ था तो डॉक्टर एस आर जो का जन्म हुआ था 12 अगस्त अठारह सो को कब हुआ था दोस्तों 12 अगस्त अठारह सो में उनका जन्म हुआ था जबकि डॉक्टर एस आर रंगानाथन की जो डेथ है वो कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में तो करीबन जो हैं ये 80 साल उन्होंने अपना जीवन जिया था जो है और 80 साल तक जो है वो जीवित रहे थे तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो जन्म है 12 अगस्त अठारह सौ का हुआ था बारानवे में हुआ था इसलिए 12 अगस्त को हर स्कूल के अंदर हर कॉलेज के अंदर ध्यान रखना है नेशनल लाइब्रेरियंस डे ध्यान रखना क्या है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है उनके जन्म अवसर पर जो है मनाया जाता है दोस्तों ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि जो ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन है इनको क्या कहा जाता है दोस्तों सबको पता है इनको कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसको हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान के जनक इनको क्या कहा जाता है दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहा जाता है दोस्तों ठीक है अब अगला सवाल है कि जो ये नेशनल लाइब्रेरियंस डे है इसको कब से मनाया जा रहा है इट इज बींग सेलेब्रेटेड ठीक है ना भाई बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये सवाल कई बार पूछा जाता है इट इज बींग सेलिब्रेटेड सिंस ठीक है ना जल्दी से बताए आप सबको पता है कि नेशनल लाइब्रेरियन जो डे है राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है ठीक है ना भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है ठीक है ना दो दिस अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अभी दो दिसंबर को क्या था वो स्टेट लेवल का था ध्यान रखना दो दिसंबर को राजस्थान के अंदर था क्या था राजस्थान के अंदर दो दिसंबर को उन्होंने जो है लाइब्रेरी डे बनाया था मैं यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरीज डे की बात कर रहा हूँ वो लाइब्रेरी डे था ध्यान रखना ठीक है ना उन्नीस गलत है वेद प्रकाश जी राइट आंसर है तो 1984 क्या है दोस्तों 1984 ध्यान रखना बिल्कुल मनीषक मैं अनुराधा जी गलती को रोकिए आप लोग गलती को रोकिए आप सभी लोग ध्यान रखना ठीक है ना 1984 एट्टी चौरासी से ध्यान रखना ठीक है दोस्तों रवि अकेडमी जी लेकिन कई किताबों के अंदर 9 अगस्त भी लिखा हुआ है ठीक है ना लेकिन ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्सी है कुछ किताबों में 9 अगस्त भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में 12 अगस्त भी लिखा हुआ है लेकिन 12 अगस्त जो है आ, उनानी टिब आई वांट योर कोर्स ठीक है ना अगर आपको कोई बात करनी है कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए दोस्तों ठीक है ना तो आप थोड़ा इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लिख रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल आज़ाद मीना जी वेरी गुड आजाद मीना जी को समझ में आ गया है कि लाइब्रेरी वीक है 1968, ठीक है ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए ध्यान रखना इसे उन्नीस से मनाया जा रहा है ध्यान रखना इसे उन्नीस से मनाया जा रहा है क्या मनाया जा रहा है दोस्तों तो ध्यान रखना ये मनाया जा रहा है नेशनल लाइब्रेरियन डे यहाँ पर एक सवाल हमेशा कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो आप एक सवाल हमेशा यहाँ पर बनता है कि नेशनल लाइब्रेरियन डे राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 12 अगस्त जो है डॉक्टर एस आर जिन्हें भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है उनका जन्म उत्सव है इसकी वजह से और इसे कब से, से मनाया जा रहा है दोस्तों उन्नीस से? से मनाया जा रहा है दोस्तों कब से उन्नीस से मनाया जा रहा है ठीक है अब हम बात करते हैं अगला सवाल जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो नेशनल नेशनल लाइब्रेरी वीक इंडिया नेशनल लाइब्रेरी वीक इंडिया राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह ठीक है ना भाई राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है कौन से महीने में मनाया जाता है भाई जल्दी से बताएं आप राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह है वो कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों सर क्लास एक और दो का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कीजिएगा बिल्कुल जो है क्लास कल की पीडीएफ डाल दी ना हमने टेलीग्राम में डाल दी हम डेली जो भी क्लास होती है वो टेलीग्राम में पीडीएफ आ जाती है ध्यान रखना ठीक है ना तो ध्यान रखना है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह है कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों तो ध्यान रखना है कौन से महीने में नवंबर महीने में ध्यान रखना ठीक है ना ठीक है ना तो नवंबर महीने में मनाया जाता है और कौन से तारीख से दोस्तों चौदह से लगाकर 20 बीस तक ध्यान रखना चौदह से बीस नवंबर तक जो हम क्या मनाते हैं दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाते हैं क्या मनाते हैं दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाते हैं ध्यान रखना ठीक है दोस्तों ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों और नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है इट इज बींग सेलिब्रेटेड इसे मनाया जा रहा है सिंस सिंस 1968 since 1968 1968 से कब से मनाया जा रहा है दोस्तों 1968 से इसको मनाया जा रहा है दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें जो बेसिक बेसिक वाली चीजें होती हैं, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों कंफ्यूज हो जाता है इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि ने, नेशनल लाइब्रेरी वीक तो लाइब्रेरी वीक जो वीक है वो उन्नीस से सेलिब्रेट किया जा रहा है और जबकि नेशनल लाइब्रेरियस डे है वो लाइब्रेरियंस डे जो है वो उन्नीस से किया जा रहा है ठीक है ना चौरासी से किया जा रहा है एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों ठीक है आगे देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल नेशनल लाइब्रेरी वीक नेशनल लाइब्रेरी वीक यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या होता है अमेरिका ठीक है ना अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका में कब से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह सॉरी राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह ठीक है ना राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है अमेरिका के अंदर कब से मनाया जाता है दोस्तों या कौन से महीने में मनाया जाता है दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों मैं अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ दोस्तों कि नेशनल लाइब्रेरी वीक राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह अमेरिका के अंदर बिल्कुल अंजना कुमारी जी ने उन्नीस सौ कहा है बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों बहुत अच्छा आंसर है अप्रैल उन्नीस से वंदना कुशवा जी बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी लोगों ने तो ध्यान रखना है सबसे पहले तो ध्यान रखना है अमेरिका अमेरिका इज कॉल्ड अमेरिका इज कॉल्ड सी द लैंड ऑफ द लैंड ऑफ लाइब्रेरीज ध्यान रखना अमेरिका को क्या कहा जाता है पुस्तकालयों की भूमि ध्यान रखना क्या कहा जाता है दोस्तों पुस्तकालयों की भूमि कहा जाता है ये कई बार पूछा जाता है कि पुस्तकालयों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है तो ध्यान रखना है पुस्तकालय की भूमि को पुस्तकालय की जो भूमि है वो हमेशा अमेरिका, अमेरिका को कहा जाता है ध्यान रखना ठीक है ना भाई अमेरिका को कहा जाता है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी वीक तो नेशनल लाइब्रेरी वीक अमेरिका में हमेशा ध्यान रखना है सेकेंड अप्रैल ठीक है ना सेकेंड वीक ऑफ द अप्रैल नेशनल लाइब्रेरी वीक सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल अप्रैल महीने का जो सेकेंड जो सप्ताह होता है दूसरा सप्ताह कह है सकते हैं ध्यान रखना ठीक है ना जैसे भारत के अंदर राष्ट्रीय पुस्तकालय जो होता है राष्ट्रीय जो पुस्तकालय सप्ताह नवंबर में मनाया जाता है उसी तरीके से अमेरिका में भी अप्रैल महीने के अंदर जो सेकेंड वीक होता है दूसरा सप्ताह होता है वहाँ पर ध्यान रखना है कि ये लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है ठीक है और दूसरा इसे कब से मनाया जा रहा है इट इज़ बींग सेलिब्रेटेड ठीक है ना इट इज़ बींग सेलिब्रेटेड इसे मनाया जा रहा है 1958 फिफ्टी से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान रखना कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो नेशनल लाइब्रेरी वीक है ठीक है दोस्तों सर पीएम वाले पढ़ सकते हैं क्या बिहार की क्लास बिल्कुल ये तो कॉमन चीज़ है ये पूरी दुनिया में लाइब्रेरी साइंस में ऐसे सवाल आते हैं ये जो लाइब्रेरी का जो बेसिक है ना ये सबके लिए है कोई सब पढ़ सकते हैं इसके अंदर सबके सिलेबस में आता है चाहे डी की तैयारी कर रहे हो चाहे के वी एस बिहार लाइब्रेरी राजस्थान जो है क्या कह सकते हैं भी पंजाब कोई भी स्टेट की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाइब्रेरी साइंस की जो बेसिक होती है वो बेसिक हमेशा क्या होती है सेम होती है क्या होती है दोस्तों सेम होती है इसलिए ध्यान रखना कुछ अलग ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ठीक है ना भाई जी आदित्य राज जी बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल नमस्कार सर सुबोध कुमार जी पटेल हेलो सर नमस्कार थैंक यू वेरी मच एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों ठीक है तो कहने का मतलब है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक जो अमेरिका में है क्योंकि अमेरिका से सवाल क्यों बनता है पता आपको क्योंकि मेलवन डीवी जो है ठीक है ना वो अमेरिका के थे और अमेरिका को ही क्या कहा जाता है द लैंड ऑफ लाइब्रेरीज पुस्तकालयों की भूमि जो है अमेरिका देश अमेरिका को ही कहा जाता है दोस्तों ठीक है ना भाई ये चीज ध्यान रखना है ये चीज ध्यान रखना अंजना कुमार जी कह रहे हैं सर यहाँ से तो दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं बाकी तो डेप से ही आते हैं देखिए मैं वैसे भी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिहार के अंदर लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है मतलब मुश्किल से पाँच सात दिन हुए जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस के बारे में जो है सोचना शुरू किया है वो ये चाह वो जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए इसलिए मैंने बिहार लाइब्रेरी बिहार विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैंने बेसिक जो चीज़ें पढ़ाना शुरू किया ताकि उनको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं क्या क्या चीज़ें होती है ये उनको पता चले दोस्तों ठीक है दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना इसको कब से मनाया जा रहा है इसको ध्यान रखना उन्नीस से मनाया जा रहा था ठीक है ना तो नेशनल लाइब्रेरी वीक जो उन्नीस में पहली बार सेलिब्रेट किया था ठीक है ना उन्नीस में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड जब पहली बार उन्नीस में नेशनल लाइब्रेरी वीक राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है मनाया गया था तो उस समय थीम क्या था जल्दी से बताए आप उस समय क्या थीम था जल्दी से बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब अमेरिका के अंदर नेशनल लाइब्रेरी वीक उन्नीस में मनाया गया था पहली बार सबको पता है कि भाई 1958 से जो है ठीक है ना दोस्तों 1958 से एट में पहली बार अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया गया था तो उस समय जब पहली बार मनाया गया था उस समय थीम क्या था ठीक है ना इस पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का थीम क्या था जल्दी से बताएं आप पुस्तकालय सप्ताह का थीम था वेकअप एंड रीड वेकअप एंड रीड ये कई बार पूछा जाता है एंड रीड का मतलब क्या होता है जागो जागो और पढ़ो। क्या था दोस्तों जागो और पढ़ो। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना ये चीज आपको ध्यान रखना है आप सही बोल रहे हैं सर मैं भी सात दिन से शुरू की हूँ मैं आपके क्लास को देख कर पढ़ रही हूँ बिल्कुल थैंक यू वेरी मच देखिए बिहार के अंदर क्या है कि अभी बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने हाल ही में डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किया हुआ है ठीक है ना और डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स के अंदर इतनी पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों इसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार हम लाइब्रेरी साइंस को कहाँ से पढ़ना शुरू करें तो इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने फ़ोन करके कहा तो, तो मैंने अच्छा कहा कि मैं उनको थोड़ी बेसिक चीज़ें बताऊं ताकि उनको पता तो चलना चाहिए कि भाई नेशनल लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है इंडिया में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता ठीक है ना दोस्तों इसलिए ध्यान रखना तो यहाँ से सवाल आपको पता है कि जब उन्नीस में पहली बार राष्ट्र पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया था अमेरिका में तो उसका थीम था एंड पढ़ो और जागो क्या था दोस्तों पढ़ो और जागो था ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों के इंडिया के अंदर कितनी डिपोजिटरी ठीक है ना डिपोजिटरी लाइब्रेरीज इन इंडिया ठीक है ना भारत के अंदर कितनी जो है डिपोजिटरी पुस्तकालय है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना भारत में भारत में डिपोजिटरी डिपोजिटरी पुस्तकालय ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए अगला सवाल है बिल्कुल अनुराधा कुमारी जी ने चार बताया है अब देखिए दोस्तों आपके मन में सवाल ये आता है कि सर डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होती है देखिए भारत में चार ऐसी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है जहाँ पर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ठीक है ना भाई तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत यहाँ पर कोई भी जब लेखक किसी किताब को लिखता है क्या लिखता है दोस्तों किसी किताब को लिखता है तो हमेशा जब किसी लेखक के द्वारा कोई किताब लिखी जाती है तो वो कॉपीराइट के तहत जो है ठीक है ना एक जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत ठीक है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो उन्नीस में आया था उसके जो तहत है वो एक किताब जो है चार डिपोजिट लाइब्रेरी को पहुंचाई जाती है कितनी पहुंचाई जाती है चार है तो ध्यान रखना चार डिपोजिटरी लाइब्रेरी है कितनी है दोस्तों तो ध्यान रखना चार डिपोजिटरी लाइब्रेरी है तो पहली डिपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों ठीक है बिल्कुल सर राजस्थान लाइब्रेरी के कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दो जिनको भी कोर्स की वैलिडिटी बढ़ानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में तो पहला है दोस्तों डिपोजिटरी लाइब्रेरी जिसमें है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पहले कौन सी है दोस्तों नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है दोस्तों कोलकाता में है कहां पर है कोलकाता कोलकाता ठीक है ना जो कहाँ पर है दोस्तों कोलकाता के अंदर है ध्यान रखना ठीक है बिल्कुल बिल्कुल पुनीता जी ने भी अच्छा आंसर दिया है बिल्कुल तीस दिन के अंदर जर बिल्कुल नाच मिस्टर नाज फ्रॉम केरला थैंक यू वेरी मच आगे देखिए बिल्कुल तीस दिन के अंदर अंदर तो एक नियम है कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट उन्नीस के तहत जब कोई राइटर कोई किताब लिखता है तो तीस दिन के अंदर अंदर उनको एक किताब की जो एक प्रतिलिपि होती है वो प्रतिलिपि चारों डिपोजिट लाइब्रेरी में जमा करानी होती है दोस्तों ठीक है दोस्तों सुमन भाटी जी कह रहे सर आप ऐप पर क्लास क्यों नहीं लेते हैं सुमन भाटी जी ऐप पर वैकेंसी आने के बाद लेंगे अभी जो भी रिकॉर्डेड कोर्स हम डाल रहे हैं उनको पूरा करवा रहे हैं अभी हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं पहले आप रिकॉर्डेड पढ़िए जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लाइव शुरू करेंगे लाइव एम शुरू करेंगे ताकि एक बार जब आप पूरे नोट्स उतार लोगे तो आपको हर एक टॉपिक एट्टी परसेंट क्लियर हो जाएगा जो ट्वेंटी परसेंट जो आपको समझ में नहीं आएगा हम लाइव एम पढ़ाएंगे तो आपका जो डाउट है जो कन्फ्यूज़ है टॉपिक से संबंधित उसके बारे में आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं आज मैं अगर लाइव क्लास शुरू कर दूं आप लोगों को आपको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक कौन से पार्ट में है कुछ में है तो आप मुझे क्या सवाल पूछोगे आप क्या डाउट पूछोगे मुझे बताओ तो पहले आप कुछ पढ़ोगे पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाओगे फिर आप वीडियो देखोगे फिर आप टेस्ट दोगे तो आपको एट्टी क्लियर हो जाएगा दोस्तों ठीक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कहां पर है दोस्तों कोलकाता में और इसकी स्थापना क्या ध्यान रखना जल्दी से बताइए आप एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना उनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1948 में कब हुई थी दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा के अंदर ठीक है ना भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बा जो है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कोलकाता में जो है स्थित है इनकी जो स्थापना है एस्टेब्लिशमेंट के मतलब इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी अब अगला सवाल है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन था जल्दी से बताइए आप पहला लाइब्रेरियन कौन था जल्दी से आंसर बताइए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल दिव्यांग जी वेरी गुड इवनिंग बहुत बहुत सबको नमस्कार मेरा जल्दी से बताए आप सभी लोग ठीक है ना जल्दी से बताए आप जो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी उस समय पहले जो पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था दोस्तों सर बिहार से हैं हम ये क्लास बिहार लाइब्रेरियन के लिए अच्छा रहेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा दोस्तों तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन कौन थे प्रथम तो पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों बी एस केशवन साहब कौन थे दोस्तों बी एस केशवन साहब थे ध्यान रखना तो बी एस केशवन साहब थे जो पहले क्या थे दोस्तों पहले लाइब्रेरियन थे और जिनको क्या कहा जाता दोस्तों फादर ऑफ आई एन बी नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है आई एन बी के जनक ठीक है भाई आई एन बी के जनक किसे कहा जाता है बी एस केशवन को कहा जाता है तो बी एस द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय है हमारा भारत का तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है दोस्तों कोलकाता में जिनकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और इस नेशनल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे बी एस केशवन साहब थे कौन थे दोस्तों बी एस केशवंत साहब थे जिनको क्या कहा जाता है आई का जनक क्या कहा जाता है दोस्तों आई का जनक कहा जाता है और बी एस बी एस साहब को जो है पद्मश्री अवार्ड ध्यान रखना बी एस साहब को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था 1960 में मिला था यह सवाल कई बार पूछा जाता है ठीक है ना तो बी एस साहब को जो है 1960 में पद्मश्री अवार्ड मिला था कब मिला था दोस्तों 1960 में जो है पद्मश्री अवार्ड मिला था यह चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों ठीक है दोस्तों चीज आपको ध्यान में रखनी है एक बार जो है एक बार जो है एक बार लाइक कर दीजिए इस क्लास को ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मच तो भारत में पहला डिपोजिट लाइब्रेरी चार है पहला हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरा डिपोजिट लाइब्रेरी ठीक है ना एशियाटिक एसियटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई एशियटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई और ये जो दूसरी डिपोजिटरी है ये कहाँ पर है दोस्तों ये ध्यान रखना आपके मुंबई में है कहाँ है दोस्तों मुंबई के अंदर है ध्यान रखना ठीक है दोस्तों तो दूसरी जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी है जिसका नाम है एशियटिक सोसाइटी मुंबई ठीक है ना इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों जल्दी से बताइए आप इसकी स्थापना स्थापना कब हुई थी और जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों दूसरी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई बिल्कुल वैभव वैभव जी ने अच्छा आंसर दिया है ठीक है ना भाई ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 1804 में हुई थी ठीक है दोस्तों 1804 में हुई थी किसके द्वारा स्थापित तो की गई थी बिल्कुल वेद प्रकाश जी अभी नहीं है अब नहीं है बिल्कुल इसका मैं बताऊंगा आपको डिटेल से यस यस वेद प्रकाश जी आप सही है लेकिन मैं अभी थोड़ा सा है जब इसको डिटेल से वापस पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा आपको ठीक है इधर देखिए दोस्तों इसकी स्थापना अठारह में हुई थी किसके द्वारा की गई थी जल्दी से आंसर दीजिए आप जल्दी से आंसर दीजिए हैं ठीक है ना जी जी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी नो 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 बिल्कुल अनुराधा कुमारी जी ने कहा है कि नहीं 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 अनुराधा जी ने थोड़ा सा गलत कर दिया है दोस्तों अरे कॉलेज लाइब्रेरियन में प्रत्येक पेपर में चालीस परसेंट लाना जरूरी नहीं है निरंजी दवे बिल्कुल नहीं है दोस्तों चालीस परसेंट लाना कोई जरूरी नहीं है आपके टेंशन मत लीजिए कहीं आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो कौन क्या कहता है तो उससे क्या मतलब है निरंजन जी आप ना जाकर आप है आप ना उसकी नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए कॉलेज जो कॉलेज लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई है ना उसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए उस नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है चालीस परसेंट जरूरी है या नहीं है जब नोटिफिक नोटिफिकेशन में नहीं है तो फिर आप कैसे क्या करोगे आप समझिए आप जब नोटिस नोटिफिकेशन में है ही नहीं तो क्या करोगे आप कैसे करोगे इसकी स्थापना की गई थी सर सर जेम्स मैकेटस क्या नाम था दोस्तों सर जॉम्स मैकेटोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ध्यान रखना ये कई बार पूछा जाला पूछा जाता बिल्कुल मिस मुस्कान ने अच्छा आंसर लिखा है तो ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना है स्थापना की गई थी सर जेम्स के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों ठीक है ना भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है सर जेम्स मैकिनटोस जो एक व्यक्ति है उसके द्वारा लिया गया है दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरी जो लाइब्रेरी है डिपोजिटरी तीसरी कौन सी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है कौन है मेरा ठीक है ना तीसरी जो लाइब्रेरी है वो आपके तीसरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर है भाई जल्दी से बताइए आप तीसरी एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी लोग है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कोना मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो तीसरी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है दोस्तों कोना मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो कहाँ पर है दोस्तों चेन्नई में कहाँ पर है दोस्तों चेन्नई में ध्यान रखना चेन्नई का मतलब होता है मद्रास ठीक है ना कौन मेरा जो पब्लिक लाइब्रेरी है जो ये कहाँ पर है दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है आपको चेन्नई में है और इसकी जो स्थापना है ठीक है ना इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी दोस्तों अठारह में कब हुई थी दोस्तों जो अठारह के अंदर हुई थी ये मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है जो यूएन के यूएन के कार्य भी कर रही है दोस्तों कई बार सवाल पूछा जाता है इसका यूएन के कार्य यूएन के कार्यक्रम को भी ये जो है करती है कार्य ध्यान रखना ठीक है दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है चेन्नई में है इसकी स्थापना अठारह सौ नब्बे में हुई थी और चौथी और अंतिम लाइब्रेरी कौन सी है डिपोजिटरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ठीक है ना तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर है दोस्तों दिल्ली में है ठीक है ना कहाँ पर है दोस्तों दिल्ली के अंदर है ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो भारत के अंदर चार डिपोजिटरी लाइब्रेरी है डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत इन चारों डिपोजिटरी लाइब्रेरी में एक राइटर के द्वारा एक स्पेशी मैन कॉपी जो है उनको भेजी जाती है दोस्तों ठीक है ना ये चीज है आज ध्यान रखना ठीक है दोस्तों आगे देखिए बिल्कुल जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं ये कहना डिस्टेंस एजुकेशन से कोई दिक्कत नहीं है सु भारती से कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों सर मैंने अठारह सौ छिन में देखा था और अठारह सो में ये पब्लिक के लिए ओपन हुई थी ओपनड फॉर पब्लिक जनता के लिए खोल दिया गया था जनता के लिए कब खोला था अठारह सौ छिननु में खोला था ध्यान रखना ठीक है ना बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो अठारह सौ छनु पढ़ा है तो ध्यान रखना है कि कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी है ना इसकी स्थापना तो अठारह सौ नब्बे में हुई थी क्या हुई थी दोस्तों अठारह सौ नब्बे में हुई थी लेकिन जनता के लिए कब खोला था छः साल बाद अठारह सौ छनु में इस लाइब्रेरी को जनता के लिए खोल दिया था ध्यान रखना और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में हुई थी कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में हुई थी ध्यान रखना ठीक है दोस्तों ये चीज ध्यान रखना नाइनटीन नाइनटीन फिफ्टी वन उन्नीस सौ इक्यावन में हुई थी अगर डेट भी पूछ ले तो ध्यान रखना है 27 अक्टूबर लगा देना ठीक है ना 27 अक्टूबर ध्यान रखना और इसकी जो स्थापना है तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत और इसके स्थापना किसके द्वारा एक पायलट जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसमें यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनेस्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा दोनों ने मिलकर जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना की गई थी उन्नीस में की गई थी ठीक है ना भाई कब की गई थी दोस्तों उन्नीस में की गई थी गौरव सिंह जी कह रहे हैं सर गौरव सिंह जी आप नया वाला पढ़िए पुराना वाला मत पी लीजिए ठीक है ना सर राजस्थान लाइब्रेरियन वाले कोर्स में अपडेटेड कोर्स पढ़ना चाहिए या पुराना वाला देखिए गौरव जी नया वाला कोर्स आपको पढ़ना है मैंने पूरा कोर्स नया अपडेट कर दिया है बाइलिंगल है आपको न्यू वाला पढ़ना है क्या पढ़ना है दोस्तों न्यू वाला आपको पढ़ना है ध्यान रखना तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना जो है और सताईस अक्टूबर उन्नीस में हुई थी ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उस पायलट प्रोजेक्ट में जो इस्पॉन्सर किया गया था ठीक है ना भाई तो यूनेस्को ने क्या किया था दोस्तों इस्पॉन्सर किया था क्या किया था इस्पॉन्सर ठीक है ना तो ध्यान रखना यूनेस्को के द्वारा जो है इस लाइब्रेरी के लिए क्या किया गया था दोस्तों इस्पॉन्सर किया गया था ठीक है दोस्तों स्पॉन्सर किया गया था और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये चौथी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है ये क्या है दोस्तों चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है और चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो है इसकी जो घोषणा है वो घोषणा कब हुई थी दोस्तों घोषणा हुई थी 1981 में कब हुई थी दोस्तों 1981 में हुई थी बहुत अच्छा आंसर दिया है ठीक है ना वेबो वेबो बनवाल जी बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया है आपको ठीक है ना तो कहने का मतलब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना तो उन्नीस में हुई थी लेकिन इसे चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित कब किया गया था इसे चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जो है 1981 में घोषित किया गया था ठीक है ना 1981 में ध्यान रखना 1981 में इसको ध्यान रखना है कि डिपॉजिटरी चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में इसका घोषणा की गई थी दोस्तों ठीक है ना भाई ये चीज़ ध्यान रखना ब्लॉक बूस्टर सर मेरा कोर्स एक्सपायर हो गया है तो बिल्कुल अगर आप कोर्स एक्सपायर हो गया है तो बिल्कुल आप फोन कीजिए मैडम को फोन कीजिए आप दिए गए नंबर पे आपको रिन्यू करवा दिया जाएगा ठीक है ना दोस्तों अगर आपको कोर्स हो गया है तो आप रिन्यू करवा दीजिए दोस्तों सर बुक मार्केट में मिल जाएगा क्या मेरी किताब आपको 22 तारीख को लॉन्च होगी वो आपको मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों ठीक है तो चारों डिपोजिटेड लाइब्रेरी हमने पढ़ ली है अब हम बात करते हैं आगे नेशनल नेशनल साइंस लाइब्रेरी नेशनल साइंस लाइब्रेरी इंडिया नेशनल साइंस लाइब्रेरी इंडिया राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहां पर है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय कहां पर है जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग अगला सवाल यह है कि भारत के अंदर ठीक है ना सर एक डाउट और है कि थर्ड ग्रेड में सिलेबस ए सी पार टू नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है वही पढ़ना या पूरा 88 वीडियोस देखने हैं पूरे देखना है 88 वीडियोस मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है उसमें करीबन नब्बे से ज़्यादा वीडियो आएंगे तो ना जितने भी वीडियो है, सारा पढ़ना आपको सिलेबस वेलेबस कुछ नहीं है सिलेबस पिछली बार सिलेबस पढ़ा था तो वो पीछे रह गए थे अब आपको बिलीप लेवल का पूरा पढ़ना पड़ेगा ध्यान रखना है बहुत सारे विद्यार्थी सिलेबस लेकर पढ़े थे बहुत सारी चीजें क्या होती है अब आपको बिलीप लेवल का पूरा पढ़ना है दोस्तों ठीक है ना दोस्तों सर आपके ऐप में फ्री वीडियो कहाँ चल रहा है फ्री कंटेंट दिया हुआ है जैसे आप कोर्स में जाओगे ऊपर दिया हुआ है कंटेंट कंटेंट में जाकर देखोगे ना तो वहाँ पर फ्री वीडियो फ्री फ्री क्लासेस दी हुई है वहां पर मिल जाएगी आपको ठीक है दोस्तों बिल्कुल अलखा मिश्रा जी ने तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी की जो स्थापना है पहले तो ध्यान रखना है स्थापना तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों उन्नीस में हुई थी और कहाँ पर हुई थी दोस्तों नई दिल्ली के अंदर कहाँ पर हुई दोस्तों नई दिल्ली के अंदर हुई थी ये कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर ध्यान रखना ठीक है दोस्तों आप कई बार पूछा जाता है उसी तरीके से एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ठीक है ना तो भारत में जो है राष्ट्रीय मेडिकल लाइब्रेरी इंडिया ठीक है ना राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय भारत के अंदर कहां पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? भारत के अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर है जल्दी से बताएं आप सभी लोग ठीक है दोस्तों ठीक है ना भाई जल्दी से बताएं आप जी सर बिहार में वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी पहले आप बता दीजिए राष्ट्रीय चिकित्सा जो लाइब्रेरी है राष्ट्रीय चिकित्सा जो पुस्तकालय है इसकी स्थापना कहां पर और कब थी दोस्तों बिल्कुल तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा जो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में और कहा पर दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर ध्यान रखना कहाँ पर हुई दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी ध्यान रखना ठीक है ना तो यहाँ पर बहुत सारा बिल्कुल एम्स नई दिल्ली बहुत अच्छा ट्रेंडिंग नॉव इंडिया बहुत अच्छा तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो है ये कहाँ पर है दोस्तों एम्स ये ध्यान रखना एम्स न्यू दिल्ली के अंदर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी कहाँ पर हुई थी दोस्तों 1960 uh, 1966 में हुई थी ये चीज़ हमेशा कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों ठीक है ना भाई जी जी बिहार में बुक मिलेगा सर बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको मेरी जो किताब आएगी वो 22 अक्टूबर को सॉरी 22 जनवरी को रिलीज़ होगी आपको 26 जनवरी से आपको ऑनलाइन और जोधपुर में ऑफलाइन मिलेगी जिसके अंदर इस बार हमने तेरे पुराने पेपर डाले हैं अब की बात जो वॉल्यूम टू आ रही है क्योंकि वॉल्यूम वन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेम दिया था और वॉल्यूम वन जिनके पास भी किताब गई है उसकी पेपर क्वालिटी पढ़ने का मज़ा आता कभी भी आप उसको पढ़ोगे तो मज़ा आएगा आपको ध्यान रखना लेकिन उसको पढ़ने के लिए उसको किताब को समझने के लिए पहले आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये एग्जाम से पहले ठीक है ना दोस्तों एग्जाम से पहले पहले बिहार कॉलेज की वैकेंसी आएगी ध्यान रखना क्योंकि कॉलेज देखिए बिहार में सबसे पहले पॉलिटेक्निकल कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है क्योंकि उसकी नियमावली तैयार हो चुकी है दोस्तों क्योंकि उसकी नियमावली वगैरह सब बन चुकी है तो पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसी आएगी दोस्तों ठीक है दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और जिनको भी किताब लेना है तो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों ठीक है दोस्तों ये सर प्रीति कुमारी जी ने मेरी किताब पढ़ी है वॉल्यूम वन उनको लगा कि बहुत अच्छी किताब है तो जब आप रिवीजन करोगे ना एग्ज़ाम से पहले जो मेरी किताब जो वॉल्यूम वन है और वॉल्यूम टू आ रही है जिसके अंदर एक हज़ार सवाल है जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है और एग्जाम आपके एक महीना बाद है तो एग्जाम से पहले जब उस किताब को पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा एक आत्मविश्वास जगेगा कि अरे यार मैंने वो पुराना पेपर वो पढ़ा था उसमें से मेरे इतने सवाल सही हो रहे उतने सवाल सही हो रहे हैं एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने ये किताब आप लोगों के लिए प्रकाशित करवाई है दोस्तों ठीक है ना पहली किताब ने पहली जो वॉल्यूम है हमारी जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चों के पास गई है क्योंकि हमारी किताब की खासियत यह है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो दोनों में होने की वजह से आपको क्वेश्चन को समझने में इतनी आसानी हो जाती है कि आप जब मेन एग्ज़ाम होगा ना तो आपको किसी प्रकार के सवाल में और किसी प्रकार के ऑप्शन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा दोस्तों जो मेरी सेकेंड वॉल्यूम आ रही है उसके अंदर हमने फर्स्ट वॉल्यूम में दस पेपर थे सेकेंड वॉल्यूम में तेरह पेपर कर दिया हम तो सेकेंड वॉल्यूम में आपको तेरह पेपर आएंगे और तेरह पेपर के अंदर बाइलिंग कंटेंट होगा और ऑथेंटिक आंसर हो किसी प्रकार का एरर नहीं होगा उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह दोस्तों ठीक है ना भाई ये चीज आपको ध्यान में रखना है उसके बाद हम बात करते हैं आगे नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी ध्यान रखना नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी ठीक है ना राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय अब ब्रेल क्या होता है जो अंधों के लिए जो पुस्तकालय होता है ना राष्ट्रीय ब्रेल राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय ध्यान रखना जो अंधों के लिए जो अंधों के लिए जो एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कौन से राज्य में कहां पर है दोस्तों जल्दी से बताइए आप ठीक है ना भाई जल्दी से बता दीजिए आप जी जी बिल्कुल लाइव क्लास जल्द शुरू करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छा वेद प्रकाश जी तो राष्ट्रीय ब्रेल जो लाइब्रेरी है ये कहाँ पर है दोस्तों देहरादून कहाँ पर है दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में ध्यान रखना कहाँ पर है दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में जो है नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ठीक है जी तो आज हमने जो भी आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है बेसिक का बेसिक चीजें आपने पढ़ी है इस क्लास के अंदर तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं ताकि जो है आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछा जाता है दोस्तों तो पहला सवाल ये है दोस्तों कि नेशनल लाइब्रेरियंस डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस भारत में मनाया जाता है ये सवाल केवीएस के अंदर भी पूछा गया था कहाँ पूछा गया था दोस्तों केवीएस के एग्ज़ाम के अंदर भी कई बार सवाल ये पूछा गया था जल्दी से आप आंसर दीजिए ठीक है ना गौरव सिंह जी कह रहे हैं सर आपसे बात हो सकती है मुझसे बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए एट नाइन फोर नाइन डबल नाइन टू थ्री सिक्स वन इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों एट नाइन फोर नाइन डबल नाइन टू थ्री सिक्स वन नेशनल लाइब्रेर डे कब मनाया जाता है दोस्तों ठीक है ना बारह अगस्त को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है ये ध्यान रखना है उन्नीस से मनाया जा रहा है ठीक है ना कब से मनाया जा रहा है दोस्तों उन्नीस से मनाया जा रहा है दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो हैं आप सभी लोग जवाब दीजिए एक साथ जवाब दीजिए आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों ठीक है ना ये चीज आपको ध्यान रखना उसके बाद है कि नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बींग सेलिब्रेटेड एनुअली भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है यहाँ पर कब कर देना ठीक है ना भाई नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है कब से मनाया जा रहा है जल्दी से बताइए आप जल्दी से बताइए आप बिल्कुल अब नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है दोस्त क्या था मैंने कॉल वो दीदी बोलती है शाम को बात करवाए देंगे लेकिन नहीं करवाते हैं गौरव सिंह जी मैं अभी ये बात करूँगा आपसे है ना कैंसम लीजिए ठीक है ना बिल्कुल तो ध्यान रखना है उन्नीस से और नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से कब से मनाया जाता है चौदह से बीस नवंबर ध्यान रखना चौदह से बीस नवंबर जो है तो उस समय जो है नेशनल लाइब्रेरी वीक भारत में मनाया जाता है प्रतिवर्ष उन्नीस से मनाया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है तो नेशनल लाइब्रेरी वीक इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कब से मनाया जा रहा है और अमेरिका में ध्यान रखना है नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाते हैं सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल अप्रैल का जो सेकेंड वीक होता है ना उसमें अमेरिका के अंदर क्या मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है दोस्तों 1958 से मनाया जा रहा है कब से मनाया जा रहा है 1958 से मनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों तो इस बार हमने लाइब्रेरी साइंस को मैंने बहुत इजी बना दिया है दोस्तों आप ऐप के अंदर जाके देखोगे ना तो ऐप के अंदर जाके देखोगे तो हर एक टॉपिक का सबसे पहले क्या बना हुआ है वीडियो बना हुआ है हर एक टॉपिक के वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों पीडीएफ है और हर एक टॉपिक के पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों टेस्ट है और टेस्ट के नीचे बहुत जल्द हम लाइव एमसीक्यू लेकर आएंगे दोस्तों क्या लेकर आएंगे दोस्तों लाइव एमसीक्यू कि देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप एक बार थ्योरी का नोट्स बना लोगे पीडीएफ से नोट्स बना लोगे नोट्स बनाने के बाद फिर आप वीडियो देख लोगे फिर रिविज़न करोगे जब रिविज़न करने के बाद जब आप बिना देखते टेस्ट दोगे ना तो हर हाँ टॉपिक वाइज टेस्ट है जब बिना देखते टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने से आपके अंदर कितने क्वेश्चन सही होते हैं वहां से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा इसलिए हमने इस बार न्यू अपडेटेड कोर्स किया है हर एक टॉपिक का वीडियो पीडीएफ टेस्ट और जैसे ही वैकेंसी आएगी हर एक टॉपिक का पचास पचास एमसीक्यू करवाऊंगा मैं ध्यान रखना हर एक टॉपिक का पचास एमसीक्यू लाइव कराऊंगा मैं आपको ताकि तब तक आप एक बार नोट्स बना लीजिए ताकि नोट्स बनाने के बाद जब ये तीन चीज़ें करोगे ये तीन चीज़ें करोगे तो आपको 80 परसेंट क्लियर हो जाएगा और जैसे ही बहाली आएगी तो बहाली के बाद हम आपका लाइव क्लास शुरू करेंगे और उसमें हर एक टॉपिक के एम है वो पूरा एम सॉल्व करवाएंगे दोस्तों इससे जब हम एम सॉल्व करवाएंगे तो आपके मन में जो भी डाउट है जो आपने पढ़ रखा है लिख रखा है जो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लाइव क्लास में आप हमारे साथ क्या करोगे वो डाउट या कंफ्यूजन पूछ लोगे आप और एम भी सॉल्व हो जाएगा पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और कोई भी चीज पीछे नहीं बची हुएगी दोस्तों ठीक है दोस्तों अगला सवाल है नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बात में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने के दौरान मनाया जाता है जल्दी से बताइए सर ऐप का लिंक दीजिए ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऑनलाइन स्कूल इंडिया।, इंडिया जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए ब्लैक लेवल का ठीक है दोस्तों आगे देखिए कौन से महीने में है तो ध्यान रखना आपको नवंबर महीने में मनाया जाता है दोस्तों किस में मनाया जाता है दोस्तों नवंबर महीने में मनाया जाता है अगला क्वेश्चन है भारत में पुस्तकालयों की संख्या है अब तो देखो हिंदी में डिपोजिट्री को क्या कहते हैं देखो हिंदी में डिपोजिट्री को कहते हैं निक्षेपाकार और डिपोजिटरी कितना सिंपल वर्ड है ध्यान रखना ठीक है ना अगर आप शुद्ध हिंदी पढ़ोगे ना तो वहां पर ध्यान रखना शुद्ध हिंदी में क्या लिखा हुआ आता है निक्षेपागार तो निक्षेपागार अगर हिंदी में नहीं समझ में आता तो आप अंग्रेज़ी ज़रूर पढ़िए दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हिंदी ज़्यादा अनिल मैं आपको वैसे इसलिए तो मैं आपको बाहर पढ़ाता हूँ ठीक है ना इसलिए तो मैं आप लोगों को बाहर पढ़ाता हूँ हिंदी इंग्लिश में अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपको पता अजीब सा लगेगा और कोई जरूरत थोड़ी है हिंदी में ऐसी आती है हिंदी तो इसलिए हिंदी अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो अंग्रेजी में जरूर देखिए दोस्तों तो अंग्रेजी में पता चल जाएगा पर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो भारत में डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या है दोस्तों तो डिपोजिटी लाइब्रेरी चार होती है कितनी होती है चार ठीक है उसके बाद अगला सवाल है नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी 1948 में हुई थी ये कहाँ पर स्थित है जल्दी से बताएं मुझे जी ये कहां पर इस... ओ... स्थित है बिल्कुल मिस्टर नाज मिस्टर नाज ने जो है सी ऑप्शन कहा है मिस्टर नाज फ्रॉम फ्रॉम केरला आई वॉन्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नाज इज फ्रॉम केरला टूडे इज वॉचिंग मी फ्रॉम केरला मिस्टर नास कैन आई नो कैन यू टेल मी दैट विच विच सीजन शुड आई कम टू केरला फॉर विजिट फॉर विजिट मिस्टर नास कैन यू टेल मी दैट व्हेन शुड आई कम टू केरला फॉर विजिट जल्दी से बताइए आप तो ये कहाँ पर है दोस्तों न्यू दिल्ली हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों न्यू दिल्ली हो जाएगा नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में हुई थी ठीक है ना दोस्तों 1966 सर ऐप पर क्लास फ्री है सर बताएं मैं आपकी क्लास आज फर्स्ट बार देख रहा हूँ बिल्कुल ब्रजेश कुमार जी बिल्कुल ब्रजेश कुमार जी यस सर मिस्टर नाज मिस्टर नाज व्हेन शुड मिस्टर नाज आई एम आस्किंग यू दैट व्हेन शुड आई कम टू केरला फॉर विजिट एक्चुअली आई हैव अ ग्रेट डिजायर टू विजिट केरला इन द कमिंग इन द कमिंग समर वेकेशन ओके तो कब है कहाँ पर है दोस्तों मेडिकल लाइब्रेरी तो मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ पर है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है कहाँ पर है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर है दोस्तों ठीक है ना आगे देखिए नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी इज लोकेटेड इट राष्ट्रीय ब्रेल पुस्तकालय कहां पर है दोस्तों राष्ट्रीय ब्रेल यस yes, हिल stations लाइक like मुनार is now गुड सीजन ओके मिस्टर नास थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर गुड रिप्लाई थैंक यू यस मुनार is a गुड प्लेस फॉर विजिटिंग आगे देखिए नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी जो है कौन से राज्य में है सर ठीक है ना आगे देखिए यस yes, ध्यान रखना उत्तराखंड तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है देहरादून ठीक है ना तो देहरादून के अंदर ध्यान रखना है यहाँ पर जो है ये नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी है क्या दोस्तों नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी है ठीक है दोस्तों सबसे पहले इस क्लास के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ठीक है ना आप लोगों ने आपने उन्नीस बता दिया है कहाँ पर बताया उन्नीस क्या बताया भाई उन्नीस सौ अड़तालीस नेशनल अरे सॉरी 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 नेशनल साइंस लाइब्रेरी सॉरी 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 नेशनल साइंस लाइब्रेरी उन्नीस सौ चौंसठ वेरी गुड थैंक यू वेरी मच उन्नीस सौ चौंसठ या ध्यान रखना साइंस पहले साइंस आया था ध्यान रखना साइंस लाइब्रेरी है उन्नीस सौ चौंसठ आया था और मेडिकल लाइब्रेरी दो साल बाद आई थी पहले ध्यान रखना इसको याद रखना पहले साइंस आया था फिर मेडिकल लाइब्रेरी आई पहले साइंस लाइब्रेरी आई उसके बाद मेडिकल लाइब्रेरी आया था साइंस लाइब्रेरी आई उन्नीस सौ चौंसठ और मेडिकल लाइब्रेरी उन्नीस सौ सड़सठ आया था आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इतना प्रेम और स्नेह मुझे दिया था ये मेरी वॉल्यूम वन है वॉल्यूम वन हमने निकाली थी आप लोगों ने इतना प्रेम दिया था अगर आपको वॉल्यूम वन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों और टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इस किताब को लिंक भेज दिया जाएगा वहाँ से आप घर बैठे मंगा सकते हो गवर्नमेंट डाक गवर्नमेंट ऑफ जो है पोस्ट से आपके घर पे आ जाएगी दोस्तों यस yes, अब जो सेकंड वॉल्यूम है ये सेकंड वॉल्यूम बहुत जल्द जो है आपके सामने होगी और 26 जनवरी से आपको इस ऑर्डर भी कर सकते हैं 26 जनवरी से ठीक है ना दोस्तों तो तो हम आपको बता देंगे आपको कहाँ से बात करते हैं मिस्टर नाज कह रहे हैं यू आर वेलकम सर वेलकम टू गॉड्स ऑन कंट्री थैंक यू वेरी मच एक्चुअली मिस्टर नाज आई हैव ए ग्रेट ठीक है ना आई हैव

आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए ऐसा देखिए ये बता रहा हूँ मैं आपको हाँ ठीक है दोस्तों आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा ऐप है ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया और ऐप के अंदर जाकर आप कंटेंट में कोर्स पे क्लिक कीजिए और ऐप के अंदर कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है उस फ्री कंटेंट को जरूर दी देखिए दोस्तों और इस बार हमने न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू किया है ठीक है ना अब न्यू अपडेटेड कोर्स का मतलब क्या है हर एक टॉपिक का वीडियो है हर एक टॉपिक का वीडियो है हर एक टॉपिक का पी है हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों टेस्ट ये तीन चीज़ें आपको अभी ऐप के अंदर मिलेगी ध्यान रखना जब आप पहले पी से नोट्स बना लेना नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखो टेस्ट दो इससे आपका क्या हो जाएगा हर एक टॉपिक 80 परसेंट क्लियर हो जाएगा ठीक है ना और जैसे ही बिहार में बहाली आएगी ठीक है ना बहाली के बाद बहाली के बाद हम क्या करेंगे लाइव एम क्लास शुरू करेंगे लाइव एम क्लास ठीक है ना लाइव एम क्लास शुरू करेंगे उसमें क्या होगा कि जब ये चीजें आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे आपके ठीक है ना जब आपके नोट्स बन जाएंगे जब आप वीडियो देख लोगे जब आप टेस्ट दे दो दोगे तो करीबन आपका टॉपिक का 80 परसेंट क्लियर हो जाएगा तो जैसे हम लाइव एम सी क्यू क्लास शुरू करेंगे जो आपने सबसे बड़ी बात क्या होगा जब आप मेरे साथ लाइव एम सी क्यू क्लास में जुड़ोगे ना तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं आपने वीडियो भी एक बार देख लिया है आपने रिविज़न भी कर लिया है और आपने टेस्ट भी दे दिया है अब उस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा ना तो आप मुझे लाइव में पूछ पाएंगे मैं अगर चाहूँ तो लाइव क्लास कल भी शुरू कर दूँ लेकिन कल करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो टॉपिक कहाँ पर है कौन से पार्ट के अंदर है आप क्या मुझे डाउट पूछोगे लाइव क्लास का मतलब होता है आपका रिवीजन प्लस आपका डाउट क्लास होने चाहिए दोस्तों ठीक है ना राजस्थान की जो वैकेंसी है सर बजट में आएगी दोस्तों बजट में आएगी ध्यान रखना ठीक है दोस्तों बजट के अंदर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और ईश्वर करें भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द आप लाइब्रेरियन बने और इस बेरोज़गारी से मुक्ति प्राप्त करें और मेरा इस प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दूँ ताकि आप जो हैं जल्द आपका समय बचे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सेल्फ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं लेकिन कोई विद्यार्थी जब सेल्फ स्टडी करता है ना तो वो मेरा मानना है कि वो एक एक जैसे के मेंढक जैसा होता है क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि बाहर कितना कंपटीशन होता है लेकिन जब कोई विद्यार्थी किसी टीचर के अंतर्गत काम करता है या पढ़ता है तो उसके अंदर ऐप के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए होते हैं जब वो ऐप के अंदर टेस्ट देता है जब ऐप के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट देता है जब ऐप के अंदर पार्ट वाइज टेस्ट देता है जब ऐप के अंदर ओल्ड पेपर देता है ठीक है ना तो जब वो सारे टेस्ट बच्चे टेस्ट देते हैं जब वो खुद टेस्ट देता है ना तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार हजार बच्चों ने टेस्ट दिया है मेरी कौन सी रैंक है ठीक है फिर उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसको पता चलता है कि यार ये सवाल कौन से टॉपिक का है जो मेरे गलत हुआ जैसे मान लीजिए कोई आई एस का सवाल आपसे गलत हो जाता है उस टेस्ट के अंदर तो कम से कम आपके दिमाग में रहेगा यार आई एस टॉपिक मेरा कमज़ोर है तो कम से कम आप एक सवाल पर एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी रह गई है दोस्तों ठीक है ना उस जो कमी रह गई है ना उसको ध्यान रखना उसको आपको तैयार करना ध्यान रखना ठीक है ना दोस्तों आप अपना जिस दिन आप अपने अंदर जो विश्लेषण करना शुरू कर दोगे जब आप अपने खुद की तैयारी का मूल्यांकन करना शुरू कर दोगे उस दिन समझ लेना आप लाइब्रेरियन बन जाओगे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस बहुत ईजी है मैं क्या कह रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस बहुत इजी है लेकिन ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट का मतलब होता है इसको रोज पढ़ना जरूरी है ध्यान आप सोचते हैं कि मैं एक महीने लगातार पढ़ता हूँ और एक महीना लगातार पढ़ने के बाद पांच दिन अगर आप किसी के शादी में नाचने के लिए चले गए या शादी में चले गए वहां पर घूमने के लिए ठीक है ना तो पांच दिन के बाद जब आप आओगे ना ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर सब भूल गए आपको तो लाइब्रेरी साइंस के लाइब्रेरी साइंस की एक ही खासियत है दोस्तों कि कि आप डेली इसको पढ़ते रहे चाहे एक घंटा पढ़ो चाहे दो घंटा पढ़ो इसलिए हमने ऐप के अंदर कम से कम तीन चार हजार क्वेश्चन डाले हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि कम से कम आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में जा रहे हो बस में जा रहे हो बैठे बैठे पांच टेस्ट दे दो पांच टेस्ट देते पाँच सौ क्वेश्चन का रिविजन हो गया आपका मन में यह शांति रहेगी कि आज मैंने पाँच क्वेश्चन सोल्व कर दिए और मोबाइल में बैठे बैठे पाँच क्वेश्चन सोल्व तो पाँच सौ क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब आपके अंदर ये रहेगा कि भाई हाँ मैंने आज कुछ ना कुछ तो किया है दोस्तों ठीक है दोस्तों थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आप सभी का इसी तरीके से ठीक है ना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और जिसको भी मुझसे बात करनी है जिसको भी मुझसे बात करनी है दिए गए नंबर पे आप कभी भी इस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा मैं बात कर लूँगा आपको थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद आपका